नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों में नतीजे में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। पार्टी की जीत की खबर सुनते ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं ढोल की थाप पर थिरकते भी नजर आए। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। यहां कार्यकर्ता कहीं ढोल तो कहीं लड्डुओं से अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। की प्रदेश की सरकार ने भी किया है, हमारे 30 लाख कार्यकर्ताओं की जो प्रदेश की बहुत सी मिल करके और 3 करोड़ 46 लाख मूल लाभार्थियों के घर पहुंच करके जनता जनार्दन का विश्वास जीता है और लोगों ने वोट पे कन्वर्ट किया है। जातिवाद की जो व्यवस्था थी वो खत्म की गई। हम लोग विकास का नारा जो था, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम किया है, वो जाति का बंधन तोड़ करके लोगों ने वोट किया है। और प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ पूरे विपक्षियों ने ईवीएम पे सवाल उठाया, इस बारे में क्या बोलिए? अब उनके पास कुछ और बचा नहीं है ईवीएम के सिवाय कहना। वो बहुत पहले जब कांग्रेस ही लाई ईवीएम मशीन लाने वाले कांग्रेस के लोग ही हैं, और जब वो जीतते हैं, राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, तब ईवीएम सही थी। आज जब हम जीते हैं तो ईवीएम खराब है, उनकी नीयत खराब है। ईवीएम मशीन नहीं, उनकी नीयत खराब है। आने वाले अगले 5 वर्षों क्या लगता है आपको, पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम शांति व्यवस्था पूरे सभी सीमा के लोगों के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हम सबसे दोस्ताना संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो मैं आंख तोड़ने का काम करूंगा, अगर किसी ने उंगली उठाने की काम किया तो उंगली तोड़ने का काम करूंगा। और पूरी तरीके से सभी अन्य मुद्दों को भूल कर जिस तरीके से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जीत, इससे सभी विपक्षियों को तो पता चल गया होगा किसी प्रकार के अन्य हथकंडे उनके काम में नहीं आएंगे और राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठाया और अभी भी पहले की जब से पोल हुआ है तब उन्होंने कई बार उसको उंगली उठाई, क्या कहेंगे ईवीएम? हाँ, किधर हो? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के पूरी तरह से बौखला गए हैं। ईवीएम नहीं सेट था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से ये देश सेट था। माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से इस देश की जनता, इस देश के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग पूरी तरीके से सेट थे। और ईवीएम सेट तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही बात है। बाकी और इसका प्रभाव पाकिस्तान पर दिखाई देगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक डर था मन में कि मोदी जी के फिर से आ जाने से उनके लिए खतरा बन सकता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मोदी नाम का खतरा तो उनके लिए हमेशा मंडराता रहेगा, और यही देश चाहता भी है कि अपनी मनमानी जो राहुल जी के समय या कांग्रेस के समय में वो लोग करते रहे हैं वो चीज़ नहीं होने पाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दूसरी बार और प्रचंड बहुमत में। जिस तरह जनता ने पुनः मोदी जी को लेके आए, क्या लगता है आपको कि क्या मोदी जनता के लिए कुछ करेंगे आगे? और भी बहुत आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा उसके तुरंत बाद से ही पूरे देश की जनता लाभान्वित होना शुरू हो जाएगी। जिन कार्यक्रमों को माननीय मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में बनाया गया है या जिसको लागू करना है या क्रियान्वयन करना है वो बहुत तेजी से क्रियान्वित हो जाए। जो मुझे लगता है जो बहुत अहम साथ होगा।